हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 24 सितंबर 2018 में हुए ग्रुप डी एग्ज़ाम की सेकंड और थर्ड सेप के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेली की तरह। तो अभी तक आपका अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, होने वाला है 25, 26, 27, 28 यादार डेट में, अक्टूबर में होने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर देख लें दोस्तों, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन और रिपीट होने के काफ़ी हद तक चांस हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू कर दें अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है। तो प्रथम क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, प्रथम क्वेश्चन है कैलकुलेटर की खोज किसने की थी, तो बताइए किसने की थी। तो ये पास कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरवाजों को स्वचालित रूप में खोलने या बंद करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताइए, तो प्रकाश विद्युत सेल का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, MUDRA की फुल फॉर्म है, तो क्या है बताइए, फुल फॉर्म पूछी गई थी ये, तो ये है फुल फॉर्म जान लीजिएगा दोस्तों, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बार अगर आपको बैक करके 10 सेकंड सेक करके यहाँ पर डबल क्लिक करिए लेफ्ट साइड में, तो आप दोबारा सुन ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसके जलने से प्रदूषण अधिक होता है, तो बताइए, तो ये हो जाएगा कोयला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का अधिकतम मान कहाँ होता है, तो ये होता है ध्रुवों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें ग्रुप में कौन से तत्व हैं, तो ये हैं अक्रिय गैस हैं, ठीक है, नियोन आर्गन जैसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो यह है काइनेटिक एनर्जी, KE = 1/2 / 1/2 mv², ठीक है। नेक्स्ट, त्वरण की इकाई क्या है, तो यह है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, पित्त रस स्त्रावित होता है, तो कहाँ होता है, पित्ताशय से, ठीक है। नेक्स्ट, 17 सितंबर, तो 17 सितंबर 1982 को दिन होगा, तो कौन सा होगा, तो ये शुक्रवार होगा दोस्तों, ठीक है, ये रीजनिंग से क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, DEAF को 16 लिखते हैं और HEAT को क्या लिखेंगे, तो ये नंबर हैं दोस्तों, D कितने नंबर पर आता है, E कितने पर, A कितने पर आता है, AF कितने पर, तो इन सब का अपन जोड़ेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इन सब का टोटल कर देंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो यह है एल्बुमिन, ठीक है। नेक्स्ट, बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी बार रिपीट हो गया है एग्ज़ाम में, ये ज़रूर आने के चांस है, आप ज़रूर ऐसे याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर का कार्य परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करना होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य है, तो ये परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है Fe2O3 × H2O, ठीक है। नेक्स्ट, आवृत्ति की यूनिट होती है, तो होती है हर्टज, ठीक है, HRTZ, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, कांचों में से कौन सा एक परावैगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है, तो यह क्रुक्स कांच, ठीक है। नेक्स्ट,
सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये होती है कॉपर तथा टिन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो बताइए कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह थोरियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, किस तत्व के परमाणु में 2p, 2n और 2e हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या होगी? ये दोस्तों 2p प्रोटॉन, 2n न्यूट्रॉन और 2e इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द्रव्यमान संख्या होगी तो ये 4 होगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बताइए कहाँ होता है, तो ये होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो ये होता है नीला और लाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो के दो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट हैं दोनों। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो बताइए कौन से में होता है, विटामिन B12 में। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो ये होती हैं 639, 639। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे 24 सितंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपके लिए प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।